आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान, विकास जीवन की उत्पत्ति। विकास जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन की उत्पत्ति, अब उसमें जीवन की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड जो है कैसे बना, और पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर सागर की गहराइयों तक भूमि, जल और वायु में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की नाना प्रकार की किस्में कैसे बनी। जैव जीव विज्ञान इन दो पहलुओं के अध्ययन को मायर ने जैव विकासी विज्ञान का नाम दिया था। मायर ने इसका नाम जो है जैव विकासी के नाम से दिया था। इस अध्ययन में ब्रह्मांड, पृथ्वी एवं जीवन की उत्पत्ति से संबंध विवरण दिया गया है। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर परिवार और पृथ्वी। ब्रह्मांड जो है सौर परिवार, आकाशगंगा और पृथ्वी क्या हैं? हमारे चारों ओर के वातावरण सहित पूरे ब्रह्मांड या विश्व को प्रकृति है, प्रकृति कहते हैं। इसके अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। आकाश या अंतरिक्ष में छितरे अनगिनत तारों या नक्षत्रों का एक जटिल परंतु व्यवस्थित तंत्र है। रात में हमें दिखने वाली आकाशगंगा ही खरबों तारों का एक विशाल तारकीय तंत्र है। शक्तिशाली दूरबीन द्वारा अध्ययन करने पर पता चला कि ब्रह्मांड में लगभग 1.6 अरब गंगाएं, आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा में एक ओर एक सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले 9 ग्रहों का एक छोटा सा तारकीय तंत्र हमारा सौर परिवार कहलाता है। इन सितारों को ग्रह कहते हैं। यह जो सितारा है, इन सितारों को ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, यम, चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बना एक उपग्रह है। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने सौर परिवार में एक नए बर्फ के ग्रह की उपस्थिति बताई और उसे प्लूट्स या क्वाह ओ बार का नाम दिया गया। यह जो है हमारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, आकाशगंगा, ये सब मिल करके जो है ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कैसे हुई या अंतरिक्ष का उद्विकास कैसे हुआ, इसके विषय में हम जो है जानेंगे। सारा ब्रह्मांड या विश्व पदार्थ एवं ऊर्जा का बना हुआ है। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इनकी वास्तविक आयु 13.7 खरब वर्ष आंकी थी। कहते हैं इसकी उत्पत्ति इलेम नामक आदि पदार्थ के एक अत्यधिक तप्त विशाल सघन गैसी बादल से हुई है।
जिसमें कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भांति के पदार्थ के कण प्रति पदार्थ या प्रतिकण हैं, ऐसी परिकल्पना के अनुसार इस बादल के कणों में एक प्रतिकणों के बीच टकराव के कारण भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वर्तमान में हाइड्रोजन परमाणु बने। ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपस में मिलने से इसका जो है एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से जो है विस्फोट हुआ जिससे जो है उस विस्फोट से हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण हुआ। आगे है वांड क्लाब्स ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार सौर परिवार का एक उद्गम हमारी आकाशगंगा के एक अत्यधिक तप्त चपटे एवं घूर्णी गैसी पिंड के लगभग 4.6 करोड़ अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इस बादल के वर्तमान पदार्थ के अनेक स्वतंत्र परमाणु थे, इन संगणित होकर इसे बादल ने सूर्य बनाया। फिर सूर्य के टूट टूट कर पृथक हुए पिंडों से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह से हम पढ़ें कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है और बादल का निर्माण कैसे हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये ब्रह्मांड के विषय में हमने जाना कि जो है ब्रह्मांड क्या है, इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इस पृथ्वी पर जो है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए हम बारी बारी से इनको जानें। कब और कहाँ हुई, अनेक वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने समय समय पर इन प्रश्नों का उत्तर में अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इससे प्रमुख परिघटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति स्वतः हो गई थी, इसको जो है स्वतः जननवाद कहा जाता है। वाल हेलमांट ने एक बार स्वतः उत्पादन से बन जाने के बाद जीव स्वयं जनन द्वारा अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति कर लेता है। जीवों की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से ही स्वतः उत्पादन द्वारा बनती हैं। वाल हेलमांट ने बताया कि मनुष्य की भींगी हुई पसीने से कमीज को जो है 21 दिन तक बॉक्स में रख देने पर चूहे का निर्माण हो जाता है। गोबर, चीनी और दही मिलाकर जो है एक साथ रख देने पर जो है बिच्छू का निर्माण हो जाता है। ये जो है वाल हेलमांट का जो है कहना था कि जो है स्वतः ही इस पृथ्वी पर जो है जीव की उत्पत्ति हो गई थी। अगला है जीवोत्पाद एवं जीवात्पत्ति का विवाद। स्वतः जननवाद को कि इसका जो है उत्पत्ति पर विवाद हुआ था कि स्वतः जो है इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसके लिए जो है अनेक वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया और बताया कि जो है किस प्रकार जो है यह इस पृथ्वी पर इनका प्रयोग हुआ। अगला है फ्रांसेस्को रेड्डी का प्रयोग। फ्रांसेस्को फ्रांसेस्को रेड्डी का प्रयोग।
फ्रांसेस्को रेड्डी का प्रयोग क्या है? इन्होंने मरे हुए सांपों, मछलियों और का मांस के टुकड़े को जारों में रख कर के कुछ जार खुले छोड़ दिए। फ्रांसेस्को रेड्डी ने जो है 3 जार लिया और तीनों जारों में 3 बीकर लेकर के ये सांपों और मछलियों का जो है मांस का जो है मांस को उबाला, उबाल करके इन शोरबा सहित इन तीनों पात्र में रख दिया। एक का मुख जो है पॉलिथीन से बांध दिया, दूसरे का मुख जो है जालीदार कपड़े से बांध दिया और चौथे का मुख जो है खुला छोड़ दिया और इन उपकरण को ले जा करके कुछ दिनों तक जो है कुछ दिनों तक ले जा करके इसको जो है धूप में रख दिया। तो धूप में रख दिया तो धूप में रख करके फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो है इस प्रथम जो जार है उस प्रथम जार में जो है कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो है यह पॉलिथीन से बंधे होने के कारण इसमें कोई बाहरी जीव प्रवेश नहीं किए हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें जो है कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। दूसरे में यह जालीदार कपड़ा है, जालीदार कपड़े से ये जो इसका मुख बांध दिया गया है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बाहर से जीव आए होंगे वह जीव जो है इसमें उलझ गए होंगे और ये मांस की तरफ नहीं पहुंच पाए होंगे, जिसके फलस्वरूप जो है इसमें कोई नए जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। तीसरे जार का मुख जो है उन्होंने खुला छोड़ दिया और खुला छोड़ करके देखा कि जो है इसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई है, तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि जो जीव बाहर से आए होंगे और इस पर जो है अंडे दिए होंगे वही अंडे जो है विकसित होकर के जो है फिर वह जीव का निर्माण किए होंगे। यह जो है फ्रांसेस्को रेड्डी का प्रयोग। अगला है लुई पाश्चर का प्रयोग। लुई पाश्चर इसके बाद जो है लेंजेरो स्पेलेंजरी का प्रयोग जो है इसने बंद फ्लास्कों में सब्जियों और मांस को उबालकर एक जीवाणु रहित पोषक शोरबा तैयार किया। खुले या ढीले कार्क द्वारा बंद किए गए जारों में रखकर इन शोरबों के अनेक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि जो है इसी जार में बंद है फिर भी जो है उसमें अनेक जो है मान जो है शोरबा जो है शोरबे में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है क्या हो जाते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्होंने जो है देखा कि जो है शोरबा में जीवों में स्वतः जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पादन की योग्य नहीं रहते हैं और इनको जो है नलियों फ्लास्कों को तोड़कर देखा तो कुछ दिनों के बाद हवा में जार भीतर पहुंचने के कारण इन शोरबे में जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुई पाश्चर का प्रयोग। लुई लुई पाश्चर का प्रयोग। लुई पाश्चर ने जो है 3 फ्लास्क लिया और फ्लास्क के मुख को यश आकार में मोड़ दिया और मोड़ करके उनको गर्म करके उसको मोड़ दिया और उसमें जो है मांस का शोरबा जो है उसमें भर दिया।
इसमें मांस का टुकड़ा उबाल करके इसमें शोरबा भर दिया, और तीसरे का मुख जो है इन्होंने खुला छोड़ दिया, और खुला छोड़ देने के कारण जो है यह जो है लुई पाश्चर ने जो है लुई पाश्चर का प्रयोग है। लुई पाश्चर जो है तीन जो है कांच का फ्लास्क लिया, और फ्लास्क को लेकर के उसको जो है स्पिरिट लैंप पर गर्म करके उसको यस आकार में मोड़ दिया, और उसके अंदर जो है मांस का शोरबा भर दिया, और एक का मुख जो है तोड़ दिया, दूसरे का जो है मुख पर जो है रुई का डांट लगा दिया, और इन तीनों उपकरणों को उठा कर ले जा करके जो है खुले आसमान में रख दिया, और क्या देखता है कि जो यस आकार में मुड़ी हुई नली है उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, और जो यह रुई लगी हुई डांट है इसमें भी कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, और यह जो खुला मुख है इसमें जो है जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो है जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, कोई इसमें से जीव आया होगा, इस पर बैठा होगा और बिट किया होगा, उसके बाद जो है उसमें जो है नए जीव की उत्पत्ति हो गई होगी। तो इन्होंने लुई पाश्चर ने बताया कि जो है जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, इनके प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जो है जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव आती है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।